और जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसे नोटिस निकाल देंगे। कल बीएससीबी द्वारा देखिए सर, दो पत्रकारों पर जो है, पत्रकार पर उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। तो क्या ये भी हो सकता है बीपीएससी जो है वो एफआईआर भी दर्ज कर सकती है? कितना भी नोटिस निकालिए, एफआईआर करवा दीजिए, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि एफआईआर और बिहार है, बिहार में लोग जो है एफआईआर और जेल जाने से नहीं करते हैं। इतने तरह के आयोग बने हुए हैं, ये स्वायत्तता के नाम पर तानाशाही कर रहे हैं, आरटीआई का मजाक आप उड़ा रहे हैं। आप लगातार कानून का, जो भारत का कानून बना हुआ है, नियम है, उसका आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। 2005 में देश के नागरिकों को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया, सूचना का अधिकार, जिसके माध्यम से आप सरकार या सरकार की संस्थाओं से उसके कार्य प्रणाली के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये बाध्यकारी है कुछ प्रोविजनों को छोड़कर कि उस संस्था को या सरकार को उसका जवाब लिखित में पूछने वाले को देना है। बात करते हैं हम बीपीएसएससी की। बीपीएसएससी में आपको बता दें कि जो छात्र हैं उनका आरोप हमेशा रहता है कि परीक्षा में जो है वो धांधली की गई है, चाहे पीटी परीक्षा हो या मेंस परीक्षा हो। इसके बाद छात्र जो है वो आरटीआई करते हैं कि आप हमारे ओएमआर सीट का सर्टिफाइड कॉपी दे, हमारे जो प्रश्न पत्र हैं वो आप दिखाएं, और कितना मैंने अंक प्राप्त किया जिसके कारण मैं बाहर हो गया वो आप बताएं। लेकिन बिहार में जो दरोगा आयोग है यानी कि बीपीएसएससी, उनकी कार्रवाई आप देखिए कि वो छात्रों को ना ही ओएमआर सीट का जो कार्बन कॉपी होता है, स्टूडेंट कॉपी, वो देते हैं, ना ही प्रश्न पत्र देते हैं, और न ही उसका आंसर की बताते हैं। इस साल कट ऑफ बताया गया केवल। और जब आरटीआई किया जाता है तो उसके बाद उनका जवाब आता है, वो आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, देख सकते हैं आप, जिसमें एक छात्र के द्वारा आरटीआई किया गया है तो उसमें जवाब आता है क्या चीज कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके सूचना आवेदन दिनांक 19 जनवरी 2021 में मांगी गई सूचना विज्ञापन 01/2019 के अंतर्गत आयोजित मुख्य परीक्षा के ओएमआर सीट की समीक्षा करने से संबंधित है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के परिभाषा के दायरे में नहीं आता। साथ ही आपके द्वारा सूचना आवेदन के साथ विहित आवेदन शुल्क जमा नहीं किया गया, इसलिए सूचना आवेदन पर कार्रवाई विचारणीय है नहीं है। इसमें कहा गया है दो बातें कि ओएमआर सीट का जो है वो, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा भी हैं, इनको भी हम शामिल करते हैं चर्चा में। सर, इसमें कहा गया है कि जो ओएमआर सीट जो है वो समीक्षा उसका नहीं किया जा सकता है। आदेश जी, मैं जब से आपकी बात सुन रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ कि आरटीआई किया गया और आरटीआई में ये बात कहने के लिए है कि आपने 11 रुपया जमा नहीं किया है। वही तो, जबकि मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, उस छात्र ने 11 रुपए भी जमा किए, तो लीजिए पेमेंट भी किया हुआ है, उसका भी स्क्रीनशॉट है चैनल पे जो अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब जरा ये सोचिए कि यह लेटर लिखने के लिए वक्त है, वह चीज देखने के लिए वक्त है, लेकिन लड़के ने जो मांग की, जो कैंडिडेट ने जो मांग किया कि मुझे आप ओएमआर सीट भेज दीजिए, मुझे दिखा दीजिए कि हमने क्या किया, हमारा मार्क्स कितना है, हम जान लेंगे, तो इस बात के लिए आपको क्या दिक्कत हो गई? आप दे देते ना, तो आपको प्रॉब्लम क्या थी? आपने सिर्फ इस वजह से कागजा, वो भी तथ्य प्रमाणित नहीं है, क्योंकि जो लड़के के दावों की बात करें, जो उसके पास साक्ष्य हैं, वो कहता है कि मैं 11 रुपया जमा कर चुका हूँ, फीस में दिखा रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो एक ये लेटर की बात हो गई, उसके बाद देखिए आयोग कैसे कर रहा है। अगर अपने आप को इतना ईमानदार कहता है आयोग कि हमारे तरफ से कोई गड़बड़ियां नहीं है, कोई धांधली नहीं है, जरा सोचिए ना, आरटीआई इसी सुविधा का लाभ हम जैसे, आप जैसे, या कोई भी लोग, आम लोग इस्तेमाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो आयोग अपने आप को इतना पाक साफ कहता है, सबको नोटिस भेज देता है कि आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे, आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम धांधली का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट कह रहे हैं कि आप हमें ओएमआर सीट दे दीजिए, स्टूडेंट कॉपी है, उनका हक है, वो दे दीजिए। और आरटीआई में तो बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन तक दिया, आंसर उसका, आंसर सीट जो है उसका फोटो स्टेट दिया जाता है, बीपीएससी जैसा अहम परीक्षा जिसका मेंस का जो है फोटो। लेकिन ये देखिए कि और मैं बता दूं आपको कि जो इन्होंने दैनिक भास्कर को फिर से एक नोटिस लिखा है, आपको उसमें कुछ पैराग्राफ है उसको मैं बता दूं, ये 20 फरवरी को यानी कि परसों ये लेटर लिखा गया है। आयोग यहां स्पष्ट करना चाहता है कि जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं वो मेरी अपने मेरिट से सफल हुए हैं, जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं
वो मेरिट से बाहर हो गए हैं और अब उनकी इस बहाली प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं रह गई है। जब भूमिका नहीं रह गई है तो उसका आप उम्मीदवारशीट का आप दे देते, उसका नकल, बिल्कुल उसका नकल दे दे, भूमिका नहीं रह गई है उसको दीजिए आप, दीजिए आप। लेकिन आपने कहा कि पैसे नहीं जमा हुए, जबकि वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूं कि 11 रुपए भी जमा हुए। ये सर क्या लगता है कि स्वेच्छाचारिता है क्या, कि एकदम स्वेच्छाचारी हैं हम, आज जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसे नोटिस निकाल देंगे। कल बीएससीबी द्वारा देखिए सर, दो पत्रकारों पर जो है, पत्रकार पर उन पर FIR दर्ज कर दिया गया। तो क्या ये भी हो सकता है BPSSC जो है वो FIR भी दर्ज कर सकती है? मुझे लगता है कि जितने तरह के आयोग बने हुए ना, ये स्वायत्तता के नाम पर जो तानाशाही कर रहे हैं, इस तरह की तानाशाही हो गई। अगर कोई सड़क पे निकलेगा तो उसे प्रदर्शन करने के नाम पे गिरफ्तार कर लेंगे, कोई अगर सोशल मीडिया पर अपनी मांग रखेगा तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे, कोई यह बताएगा कि ये चीजें वायरल हो रही हैं तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो सिर्फ गिरफ्तार करके तो तानाशाही हो गई ना, कोई हक की बात कर रहा है कि उसने अपने हक की बात कर दी, मांग लिया कि हमें OMR शीट दे दीजिए, हमने क्या लिखा है वो साफ हो जाएगा, हमें कितना मार्क्स आया है। तब आप कह रहे हैं कि किसी के पास साक्ष्य नहीं है, हमारे पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, मैं इसे धांधली को खारिज करते हैं। अपने दैनिक भास्कर को कहा, दैनिक भास्कर ने आपको बहुत अच्छा जवाब दिया, दैनिक भास्कर ने दिया ना जवाब कि नहीं हम आपके पत्रों का जवाब देंगे। नहीं, अरे आप कैसे कोई जवाब देगा, आप तो अपने स्टूडेंट के साथ बात नहीं करते हैं, तो हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं? जब आपके पास मीडिया आपके सामने ऑफिस के दफ्तर के बाहर जाके चिल्लाता है, खड़ा रहता है, बात करता है, तो भी आप बाहर निकलते नहीं है, कोई बुलाता नहीं है, कोई बुलाता नहीं है भेंट करने के लिए, और कहते हैं कि आके स्वागत है बात करने के लिए। प्रदर्शन करने जाते आप लाठी चला देते हैं, तो फिर बुला किसको, ये कटसी किस नाम का, तो कह रहे हैं ना कि आप ये कर रहे हैं ना, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि जो है आप लेटर जारी कर दिया, आपका काम खत्म हो गया, हमने इस अमुक तारीख को जब लेटर लिखा था, हमने इस अमुक तारीख को नोटिस जारी किया था, अब इसका कोई जवाब देने के लिए नहीं आया। जब जवाब मांगने आता है आपसे तो आप क्यों नहीं देते हैं? आपको क्या लगेगा, डेटा अपलोड करने में क्या लगेगा, क्यों नहीं अपलोड करेंगे आप? हमको एक छात्र ने सर भेजा है, ये राजस्थान का, ऐसे ही वहां पर पहले दो, लेकिन ये मामला नवंबर 2012 का है, उस समय भी था, वहां के भी आयोग जो है पेपर और आंसर की जारी नहीं करते थे, जिन्हें हाई कोर्ट ने झाड़ लगाई और उन्होंने आदेश दिया कि आंसर की और पेपर दोनों जारी करना होगा, और पेपर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम वेबसाइट पर भी आप जारी करें पेपर जो क्वेश्चन पेपर है। लेकिन आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कैसे ना आप पेपर देंगे, ना आंसर की देंगे, ना ही आप RTI का जवाब देंगे, और फिर आप कहेंगे कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, कैसे पारदर्शी हम मान ले? पारदर्शिता के नाम पर तो कुछ नहीं है। जो 1717 बहाली हुई उसके छात्र अभी तक कहते हैं कि हम लोग को पूरा जवाब नहीं दिया गया। RTI का मजाक आप उड़ा रहे हैं, आप लगातार कानून का, जो भारत का कानून बना हुआ है, नियम है, उसका आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये सब जो है आरोप दूसरे पर लगा दे रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ आदेश जी, ये सब पिछली रोटी खाने वाले लोग हैं। अभी देख लीजिए मैट्रिक का प्रश्न पत्र वायरल होने लगा, तो इंटर का ही वायरल हो रहा था, उस वक्त कोई नहीं बोल सका। मैट्रिक में जब नेता प्रतिपक्ष का दखल हुआ, उनकी दखलअंदाजी हुई, तब जाकर के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, तब आयोग को हरकत में भी आ गया। मतलब कि बातें जब तक टॉप ऑर्डर से निर्देश नहीं पड़ेगा तब तक ये लोग सुनेंगे नहीं, और मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि वायरल हो रहा। अगर हो नहीं रहा तो आग कहाँ से रहा, कोई शौक से थोड़े ना कर देता है। चीजें गड़बड़ हो रही है, सिस्टम में दोष है, खामियां हैं, आप इस बात को मानिए, आपके आयोग में भी खामियां होंगी, आप मानते क्यों नहीं? हम लोग कभी नहीं कह रहे हैं कि मैं तो कभी नहीं कहा हूं धांधली हुआ है, छात्र आरोप लगाते हैं। लेकिन भाई आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्रवाई किया जा रहा है, ये सब चीज आप नहीं कर रहे हैं जो आप पर शक पैदा करता है, और हमेशा ये होते रहेगा। अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा, जो जेन्युइन जो उनका संवैधानिक अधिकार है वो अगर आप पूरा नहीं कीजिएगा, आपके खिलाफ उंगली उठते रहेगा, और आप जवाब देते रहिएगा इस तरह पेपर। जब आयोग निराश करेगा, आयोग के पास इतना वक्त है कि इतना बड़ा बड़ा लेटर लिख करके नोटिस अपलोड करवा रहे हैं, सबको नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन जब कैंडिडेट्स लोग जब अपनी मांग करते हैं वह जवाब नहीं देंगे, जब पीड़ित होंगे ये लोग, तो फिर कोर्ट का दरवाजा है। अभी आपने राजस्थान कोर्ट का आपने हवाला दिया कि कोर्ट ने अब आदेश दिया कि आप आंसर की जारी करें, अगर प्रश्न पत्र नहीं दे सकते हैं तो बाकी चीजें हैं वो आप सार्वजनिक करें, अपलोड करें अपने साइट पे। एक चीज मुझे समझ में नहीं आता, पेपर में भी प्रतिबंधित किया जाएगा यूट्यूब चैनलों को, आप तो पेपर को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसने आपका फोन पर यह कह दिया कि मैं ना जवाब दूंगा ना खंडन करूंगा, तो आप
एक जो ये होता है सार और ये मानवता सिखा रहे हैं अपने लेटर में कि मूल कर्तव्य है ये है वो है, उसको तो आप कुछ कर नहीं कर पाए। भास्कर जैसे अखबार को आपने बड़े इज्जत से कह दिया, जो हम लोग जैसे कोई छोटे प्रतिबंधित कर देंगे, कार्रवाई करेंगे, आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं वो बातें, आप कैसे करते हैं? आपके अधिकार में जो है उसको काम आप सही से नहीं कर रहे हैं आप। क्योंकि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता तो जरूरी है, अब क्यों नहीं देते हैं? कोई ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। किसी भी परीक्षा में अगर गड़बड़ियां की जो आशंकाएं अगर फैलने लगती हैं तो आप उसको समाधान कीजिए ना, क्यों आरोप लगता है? अगर कोई क्यों नेता आपको खुल करके ये बोल देता है कि एक ही जिला के लोगों पे ये सरकार पे आरोप लगता है, आरजेडी का ट्वीट है ऑफिशियल, जब वो कह रहे हैं तो आप स्पष्टीकरण दीजिए ना। आप क्या मुख्यमंत्री के निर्देश का ही पालन करेंगे? जब तक मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे तब तक आप मार्कशीट जारी नहीं करेंगे? अरे आयोग क्यों बना फिर सर? बता दूं, बहुत ज्यादा असंतोष है लड़कों में और बिहार के सारे आयोग को लेकर इतना ज्यादा असंतोष है कि मुझे कुछ नौ ये होता है कि कहीं उनका संतोष का सीमा टूट ना जाए एक समय में। जितना गुस्सा आप लोगों की कार्रवाइयों के लिए है और आप लोग हैं कि एक तरफा कोई छात्रों को उनका कोई भी राइट नहीं बताना चाहते, आप समझिए पहले दो दो तीन तीन साल वो तैयारी करते हैं आपके परीक्षा के लिए, इतना जितोड़ मेहनत करते हैं, एक बहुत ज्यादा ये मान सकता हूं मैं उनके मेल आपने एग्जाम एकदम सही लिया है, वो छट गए हैं बाहर, वो असफल हो गए हैं, लेकिन उनको अगर है कि हमारा ओ मार्कशीट दे दिया जाता हम मिला के हम संतुष्ट हो जाएंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर आप एंसर शीट जारी नहीं कर रहे हैं तो आखिर कैसे वो मान ले कि वो एंसर जिसका एंसर वो मान के चल रहे हैं, आपने वो नहीं दिया है दूसरा उसका हो सकता है, हो सकता है आपका एंसर ही सही हो लेकिन उसको भी आप जारी नहीं कर रहे हैं कि उनको कंफर्म किया जाए। यह सिस्टम मुझे बहुत खराब लगता है, खासकर बिहार में है। सर आप ही देखिए ना कि अभी जो है कि जो छात्र हैं या कोई भी नौकरी वाला है सरकार के पास ना जाकर तेजस्वी यादव के पास जा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत निशानी है जो जिस सरकार के बने हुए 2.5-3 महीने हुए और उससे जनता का इतना मोहमंग है कि मोह भंग हो गया है कि वो विपक्ष के पास जा रहा है, विपक्ष में ही अपना आशा देखता है। उतना ही नहीं, कल जो मैं वीडियो देख रहा था वो राज्य सरकार के कई संविदा कर्मी थे। हाँ। जो कई कई विभागों में स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम अन्य विभाग में काम कर रहे हैं। हाँ। वो लोग अपनी पीड़ा लेकर के तेजस्वी यादव के पास गए। शिक्षा पे 90,000 बहाली, तेजस्वी यादव उसके पालनहार बन के आते हैं, तो ये जो लोकतंत्र में है बहुत ही ये गलत सूचक है। आवाज उठाने के लिए डराने का क्या तरीका है? मैं थोड़ा सा इलेक्ट सेट के बात कर रहा हूँ, बिजली विभाग में मीटर के बारे में आप जान रहे होंगे, प्रीपेड मीटर लग रहा है। अभी क्या था ना कि एक तो यही परंपरा समझ में नहीं आती, अगर आपके मीटर में कुछ गड़बड़ी है तो आपको वो चेक कराने के लिए जो है आपको अगर आशंका है तो 675 रुपया पेमेंट करना पड़ता है, वो चेक करने के लिए जाएगा, अगर गड़बड़ी नहीं है तो आपका पैसा गया, अब उनका मन होगा तो उनको एक्शन भी ले लें। अभी जो है 2,000 रुपया जो है कर दिया गया है, अब बताइए किसी का बिल आता रहेगा? या तो डर से भरे, या तो कार्रवाई के डर से, या फाइन लगने के डर से। बिहार में आखिर सर क्या क्यों इतना स्वेच्छाचारी लोग होते जा रहे हैं? कारण क्या है इसका? क्या इसी को अफसरशाही कहा जाता है क्या? वही है ये अफसरशाही, हम लोग तो सुनते थे अभी तक, लेकिन आज फेस करना हो रहा है कि यहाँ के जो आयोग हैं खासकर बीपीएसएससी आयोग हैं वो सीधे धमकियां देते हैं, भाई आपसे जो मांग किया जा रहा है, आप पर प्रश्न उठ रहा है, आप पर छात्र उंगली उठा रहे हैं, हमको हमारा शौक नहीं लगा हुआ, हमारे पास छात्र फोन मैसेज, अब मेरा हर एक वीडियो देख लीजिए उस पर सारे कमेंट जो है दरोगा बहाली से भरे हुए हैं, तब हम लोग करते हैं जो भी खबर हम लोग चलाते हैं कमेंट मेरे वही कह रहे हैं कि हमारे रंजीत जी के किसी भी रिश्तेदार भाई बहन ने दरोगा का परीक्षा तक नहीं दिया है, मेरे भी ना भाई बहन फुफेरे ममेरे चचेरे भाई किसी ने भी नहीं दिया है आज तक, ना मैंने कभी दिया है दरोगा का परीक्षा, लेकिन फिर भी जो है ये जब प्रश्न आता है और यहाँ बात होती है लोकतंत्र की, जनता की, अधिकार की और उनके गरिमा की, तो फिर भाई और नियम कानून की, बिहार में तो नीतीश कुमार कहते हैं ना कि यहाँ पर जो है रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है यहाँ पर, तो ये कैसे हो सकता है कि इतना अपारदर्शी तरीका जो है आयोग द्वारा अपनाया जाए? आपने RTI जो कि संवैधानिक एक बनाया गया अधिकार, उसका आप उल्लंघन करते हैं, सामने उस लड़के ने दिखाया कि उसका पेमेंट हुआ है, आपने सारा जवाब दिया, बोले कि 11 रुपए पेमेंट होने चलते हैं, अगर पेमेंट नहीं होता तो आप ये भी जवाब कैसे देते हैं? आपके पास तो RTI पहुंचता ही नहीं, ये जवाब भी आप क्यों दिए? फिर मत देते ना, काम खत्म था। तो ये तो गले से कुछ ऐसा कीजिए काम की जिससे आप पर विश्वास जो है बना रहे। हम लोग न्यूट्रल लोग हैं, हम लोग ना BPS दरोगा का परीक्षा देते हैं, मुझे ना ही आपसे कोई बैर है ना प्रेम है,
लेकिन फिर भी आप जो है लगातार चिट्ठियां निकालते रहते हैं। तो मैंने कभी नहीं देखा कि सुनीत कुमार कभी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से बातचीत किए हों, या उनके ऑफिस के आगे अगर युवाओं ने भीड़ लगाई प्रदर्शन करने की कोशिश की तो वो बात करने आए, उल्टा लाठी। सर आप नहीं देखे हैं बात वहां करने का जो तरीका होता है बीपीएसएससी में, वहां के जो कर्मचारी आते हैं वो ऐसे डिजाइन से बात करते हैं कि लगता है कि ये अछूत हो, उनसे दूरी बना के यहाँ रहिए वहां रहिए, बोलिए एक आदमी आएगा पेपर आप ही दीजिए हम रिसीविंग नहीं देंगे, ये नहीं, ये भाई ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है बात करने का तरीका। बिल्कुल ये अजूबा है, ये अजूबा है जो आप जो शक पैदा करता है, या तो या तो शक पैदा होने की स्थिति को खत्म कर दें, या जब शक पैदा हो गया है उसे दूर करने की कोशिश करें, स्पष्टीकरण दे दें। जो मांग रहे हैं वो मांग गलत मांग तो है नहीं कि आपकी जेब से खर्चा पड़ने वाला है, अपलोड ही तो करना है, उसको अपलोड कीजिए, अपलोड कर दीजिए, वो मार्कशीट का स्टूडेंट कॉपी है उसको अपलोड कर दीजिए, सार्वजनिक कीजिए काम। क्या क्या संकट आ जाएगा आखिर उनके, अगर आप प्रश्न पत्र का जो है उसको आप वेबसाइट पर डाल दीजिए। सरकार अपने विभाग के कार्यों का लेखा जोखा वेबसाइट पर अपलोड कर सकती है, डेटा बता सकती है, तो आप ये जो इतना बड़ा ये चीज है बहाली, इसमें अगर आरोप लग रहे हैं तो इसको सार्वजनिक करने कौन, ये देश की सुरक्षा राज्य की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है, युवाओं की कॉपी है उसने जो लिखा है, प्रश्न पत्र है वो, इस तरह भी लोग आरोप लगाते हैं कि वायरल हो जाता है, पीटी में तो आरोप ही लगा था वायरल हो गया, तो आप उसको डाले, उसका एंसर शीट डाले और ओएमआर शीट जो है जो छात्र स्टूडेंट कॉपी है उसे दे दे उससे, अगर आप ये है कि हाँ पूरी परीक्षा अगर आपको पारदर्शी दिखानी है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो उंगली उठते रहेगा, आप कितना भी नोटिस निकालिए, बिल्कुल एफआईआर करवा दीजिए, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एफआईआर और बिहार है, बिहार में लोग जो है एफआईआर और जेल जाने से नहीं डरते हैं लोग, यहाँ पर है कि उसका कम से कम इज्जत और जो उसका हक है वो मिलना चाहिए, तभी यहाँ के लोग मानते हैं, आपके एफआईआर और धमकी से कोई नहीं डरने वाला। एक एक काम के लिए चक्कर लगाना तो यहाँ के लोग आदत बन चुका है, वो जिन में शामिल है यहाँ पर चक्कर लगाना और बैठना और ये लाइन में लगना और वहां से आदेश मिलना कि आज नहीं होगा दो दिन बाद होगा चार दिन बाद होगा पैसा दो ये करो वो करो, ये सब आदत है जिन है, तो यहाँ पर आप एफआईआर और कार्रवाई करने की आप धमकी नहीं दे सकते हैं किसी को, तो आप जो है अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाएं और जो आप पर आप ऐसा काम करें कि आप पर कोई उंगली ही ना उठाएं, पारदर्शिता लाएं परीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।